सरगना काली पूजा पंडाल के उद्घाटन पर सियासत गर्मा गई। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन पहले टीएमसी के पार्षद और नगरपालिका के चेयरमैन को करना था, लेकिन ऐन वक्त पर आयोजकों ने काली पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को न्योता दे दिया, जिस पर टीएमसी नेता नाराज हो गए और बीजेपी समेत राज्यपाल पर हमला बोल दिया। राज्यपाल की है राज्यपाल जो निरपेक्षता बजाय रखे चला उचित, किंतु ऐसे की करलें तार उल्टो तार प्रकाशता तिनी करते आरम्भ करलें। हालांकि राज्यपाल को न्योता देने पर नाराज टीएमसी को जवाब देने बीजेपी नेता भी मैदान में उतर गए और राज्यपाल को राजनीति से ऊपर उठने की सलाह भी दे डाली। तृणमूल कांग्रेस राजनीति के बिना, राजनीति के अलावा और कुछ नहीं जानती है और कुछ नहीं कर सकती है। वो राजनीति के ऊपर उठते ही नहीं है, उठना चाहते भी नहीं है। इराक में सरकार के खिलाफ चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन में शनिवार को 7 और लोगों की मौत हो गई। इस तरह से पिछले 2 दिन में प्रदर्शन के दौरान मरने वालों की संख्या 63 पहुंच गई। इराक के दक्षिण शहर बसरा ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा बल ने हवाई फायरिंग भी की। इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। महाराष्ट्र के समुद्र किनारे बसे इलाकों में चक्रवात तूफान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। क्यार नाम के तूफान का सबसे बुरा असर मालवा इलाके में पड़ा, जहां समंदर में ऊंची लहरें उठने लगी, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। समंदर का पानी घरों में घुस गया, इलाके की गलियां भी पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गईं। समुद्र से निकलने वाले पानी का बहाव इतना तेज था कि घरों में रखा सामान बिखर गया। वहीं समंदर के पास खेतों में लगी फसल भी बाढ़ के पानी में डूब गई। तूफान की वजह से उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में नहीं जाने का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 अक्टूबर तक ये चक्रवाती तूफान ओमान तट की ओर बढ़ेगा। पंजाब के जालंधर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिससे ये साफ हो गया कि अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इस वीडियो में एक महिला अपने बच्चे के साथ स्कूटर पर नजर आई, जबकि पास में एक स्कूटर पर हेलमेट पहने बैठे 2 लड़के उससे कुछ पूछते हुए नजर आए। इसके बाद लड़कों ने अपना स्कूटर वापस मोड़ लिया और इस बीच पीछे बैठा एक लड़का स्कूटर से उतरकर महिला के पास पहुंचा और उसकी चेन छीनने लगा। महिला ने उसका विरोध किया, लेकिन उसने जबरन उसकी गर्दन से चेन छीन ली और वहां से भाग निकला। इसके बाद महिला ने शोर मचाते हुए स्कूटर से वो नीचे उतरी और बदमाशों के पीछे दौड़ी। इस दौरान मकान से कुछ और लोग भी बाहर निकले, लेकिन तब तक स्कूटर सवार बदमाश वहां से भाग निकला। उत्तर प्रदेश के शामली में बिजली विभाग का फर्जी अधिकारी बनकर वसूली की कोशिश कर रहे एक आदमी को लोगों ने जमकर पीट दिया। दावा किया जा रहा है कि आदमी बिजली विभाग का अधिकारी बनकर लोगों को परेशान करने और अवैध पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इलाके के लोगों को इसकी सच्चाई पता चलते ही उन्होंने इसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां आसपास के भी कई लोग पहुंच गए और जिसको मौका मिला उसी ने आरोपी पर थप्पड़ बरसा दिए। इस दौरान वहां मौजूद एक सुरक्षाकर्मी आरोपी को भीड़ से बचाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन लोगों के सामने उसकी एक नहीं चली और लोग आरोपी को पीटते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। अधिकारियों ने भी दावा किया कि आरोपी किसी भी विभाग से जुड़ा नहीं था और अवैध तरीके से लोगों से पैसे वसूल करने की कोशिश में था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई अननोन आदमी है जो चेकिंग वेकिंग कर रहा है। अभी जब आके वहाँ पे मालूम किया तो डिपार्टमेंट का ये कोई आदमी नहीं है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच तेज कर दी। हांगकांग में हिंसक झड़प के दौरान भड़के प्रदर्शनकारियों ने चीन की कंपनियों के दफ्तरों और बैंक को निशाना बनाया। हांगकांग में चीन के दखल के खिलाफ कई महीनों से हंगामा जारी है, जिसे देखते हुए पुलिस ने वहां हर तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है, लेकिन पुलिस की रोक के बावजूद सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान रोके जाने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए और उनकी पुलिस के साथ हिंसक झड़प शुरू हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चीन की कंपनियों के दफ्तरों और बैंकों में जमकर तोड़फोड़ की। कई दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा कर रहे लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस ने उन पर रंगीन पानी की बौछार की। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन मास्क और दूसरी तैयारियों से लैस प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस भी लाचार हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम से भी हमले किए। कई बार तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा।
गुस्साए लोगों ने सड़कों को जगह जगह बंद कर दिया और जमकर आगजनी की। देश भर की आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड जुटाने वाली संस्था एनसीआरबी ने 2017 का क्राइम डेटा जारी किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के 3.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं और अकेले यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 56,000 घटनाएं दर्ज की गई, यानी उत्तर प्रदेश की हालत इस मामले में सबसे ज्यादा खराब रही। वहीं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा और वहां करीब 30,000 केस दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2017 में पूरे देश में यूपी और हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराध के 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 2016 में गंभीर अपराध के मामलों का ये आंकड़ा करीब 48 लाख था। हालांकि 2016 के मुकाबले 2017 में यूपी में हत्या की घटनाओं में कमी देखी गई, लेकिन अपहरण के मामलों में यूपी सभी राज्यों से ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर दिवाली मनाई। बीएसएफ की 72वीं बटालियन के इन जवानों ने सबसे पहले एक दूसरे को बधाई दी और काफी जोश के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। लक्ष्मी पूजा के बाद उन्होंने जमकर आतिशबाजी की और संगीत की धुन पर खूब डांस भी किया। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और देशभक्ति के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिवाली के मौके पर अपने परिवार से दूर ये जवान इस त्योहार को मनाने के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए।